इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर के, तो यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भक्तों की भावनाएं भी हैं, साथ ही साथ चूंकि घाटी में माहौल जिस तरीके का है, उस बीच चूंकि व्यवस्था की गई अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो वो भी काफ़ी अहम हो जाती है। और शायद यही वजह है कि अब बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किस तरीके से यहाँ पे जो यात्रा है वो चल रही है और कितना लंबा है ये यात्रा, और आप कैसे पूरी की पूरी यात्रा को प्लान कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमने ये देखिए ग्राफिक्स बनाया हुआ है। पूरे के पूरे 14 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है, और चूंकि दो रास्ते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो रास्ते हैं जो जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। पहला रास्ता बालटाल से होकर निकलता है, जो दूसरा रास्ता है वो पहलगाम से निकलता है, लेकिन जो दोनों का डिस्टेंस है वो यहाँ पे अलग अलग है। जो पहला रास्ता है वो यहाँ पे 14 किलोमीटर लंबा है। अब इसका रूट क्या क्या है पहले वो भी समझ लीजिए। पहले आप बालटाल जाएंगे और बालटाल से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बालटाल में जैसे यात्रा की शुरुआत होगी तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर आप कहाँ पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे दोमेल में। दोमेल पहुंचने के बाद आप 5 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद कहां पहुंचेंगे, बरारी। बरारी पहुंचने के साथ ही आपको 4 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा, आप कहां पहुंचेंगे, संगम। और संगम के बाद बर्फानी के दर्शन करने के लिए आप गुफा में प्रवेश कर ले जाएंगे। इसी के साथ साथ अब जब हम बात करते हैं दूसरे रूट की, तो वह है पहलगाम का रूट। पहलगाम से जब आप रवाना होते हैं दर्शन करने के लिए, तो यह पूरा का पूरा रूट है 16 किलोमीटर का। इसी के साथ साथ शुरुआत करने के साथ आप पहले पहुंचेंगे चंदनवाड़ी, जो कि डिस्टेंस यहां का 3 किलोमीटर का है। इसके बाद आप पहुंचेंगे पिस्सू टॉप, जो कि चंदनवाड़ी से 9 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। पिस्सू टॉप से आप पहुंचेंगे शेषनाग, जो कि यहां से 14 किलोमीटर है, और यहां से पहुंचेंगे आप पंचतरणी, जो कि 6 किलोमीटर है। हालांकि अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ये डिस्टेंस जो है वो उसमें इतना फर्क क्यों है, ये 14 किलोमीटर का है ये 16 है, लेकिन दरअसल जो पहला रास्ता है बालटाल का वो यहाँ पे उद्गम पहाड़ियों वाला है, जिसमें हर उम्र के जो लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जो पहलगाम वाला रास्ता है वो यहाँ पे समतल रास्ते हैं, लिहाजा ये इजी है आपके ट्रैवल करने को लेके। हालांकि वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी पहले दीपेश की। बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो यात्री हैं वो अपनी बालटाल से यात्रा शुरू कर चुके हैं। 14 किलोमीटर की इस यात्रा को पैदल यात्री जो हैं वो पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बताते हैं कि दो मार्गों से ये यात्रा होती है, एक बालटाल वाले मार्ग से और एक चंदनवाड़ी वाले मार्ग से, जो पहलगाम से होते हुए जाता है। लेकिन बालटाल वाला मार्ग जो है वो बहुत कठिन होता है, और उस कठिन यात्रा को पूरा करने के लिए जो श्रद्धालु हैं उन्हीं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? यूपी कानपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। पहली बार यात्रा करने आए हैं? जी फर्स्ट टाइम है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा बाबा, यात्रा भी कर रहे हैं, इनको देख के ऐसा लगता है कि अपने। ये देखिए, तो ये इनको देखते हैं, ये बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? बाबा बर्फानी दर्शन करने के लिए। तो इतना भारी बैग लेकर के 14 किलोमीटर चल लेंगे? बिल्कुल। कौन ताकत देगा? बाबा की दया है, बाबा ताकत देगा। ये पूरा विहंगम दृश्य जो है वो आपको नजर आ रहा है, ग्लेशियर जो है वो आपको इन पहाड़ों के बीच में नजर आएंगे, और साथ ही साथ सिंध नदी जो है वो आपको यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। ऊपर जो आप देख रखे हैं हेली सर्विस जो है वो भी अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री हैं उसकी सुविधा लेते हैं, और कुछ यात्री हेली सर्विस से सफर करते हैं, कुछ पैदल यात्रा जो है वो करते हैं। तो आप दीपेश की रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें बता रहे थे दीपेश कि आखिर किस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, साथ ही साथ वहां पे किस तरीके से लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच अमरनाथ यात्रियों को लेकर के जो रास्ते हैं पहले से बेहतर बनाए गए हैं, और शायद यही वजह कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों का चौड़ीकरण किया गया है। बालटाल वाला जो मार्ग दिखाया था हमने आपको, वो अब पहले से 7 से 12 फीट चौड़ा कर दिया गया है। इस रास्ते पर वाहनों का आवागमन संभव है, और शायद यही वजह है कि ज्यादातर श्रद्धालु इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर चूंकि ये रास्ता हर किसी के लिए खोला नहीं गया है, लोग यहाँ पर पैदल जाते हैं यात्रा करते हुए, तो इमरजेंसी सेवाओं के लिए इसको खोला गया है, यानी कि जो इमरजेंसी वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो चाहे वो सेना के जवानों की गाड़ियाँ हो, वो यहाँ से मूवमेंट करती हैं। फिलहाल बीआरओ की सेना की जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ से गुजरने की अनुमति दी गई है। पहलगाम की जब हम बात करते हैं, तो पहलगाम से जो गुफा वाला मार्ग है उसको 14 फीट चौड़ा कर दिया गया है, और कहीं कहीं तो 12 से 20 फीट तक चौड़ा कर दिया गया है। और शायद यही वजह है कि जो पहलगाम वाला रास्ता है उसका डिस्टेंस भले ही ज्यादा हो, लेकिन लोग पहलगाम वाले रास्ते को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रास्ता ज्यादा चौड़ा है। अब सीधे रुक करते दीपेश कमाई सहयोगी जो जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। दीपेश, आपकी तो आस्था और भक्ति और सब कुछ हमने देखा है, इसके पहले भी रिपोर्ट भी हमने दिखाई दर्शकों को, अब फिलहाल तस्वीर कैसी दिखाएंगे दर्शकों को आप, और बताइए कि अब तक कितने लोग दर्शन कर चुके हैं?
देखिए अभी जो फाइनल आंकड़ा है वो शाम तक देर शाम तक आने वाला है, क्योंकि पहलगाम और बालटाल दोनों ही रास्तों से जो यात्री है वो आज पहले दिन दर्शन करने के लिए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा पर पहुंचे थे। और वही तस्वीरें उज्जवल से कहूंगा, जरा दिखा दीजिए कि किस तरह से बोलबम के जयकारों के साथ जो तमाम श्रद्धालु हैं, अब ये जो तमाम श्रद्धालु हैं ये दर्शन करके वापस लौट रखे गए, क्योंकि बालटाल वाला जो मार्ग है बेहद कठिन है, 14 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है, लेकिन उसके बाद भी एक दिन में ये बालटाल वाले मार्ग से यात्रा जो है वो संपन्न हो पाती है। ये देखिए हर हर महादेव के जयकारे जो है वो ये भक्त लगाते हुए नजर आ रखेगा, कुछ भक्तों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जरा आगे आते जाइए और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसी रही उनकी यात्रा और दर्शन हो पाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? दर्शन कर लिया आपने? कल जाएंगे सुबह, आज पहुंचने वाले हैं, रात में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसा लग रहा है यात्रा को लेकर उत्साहित है, पहली बार आए हैं, तो ये बालटाल वाला तो बड़ा टफ मार के आपने ये डिसाइड किया? पता नहीं था, टफ काफी लोग जाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सानू भाई। दर्शन हो गए आपके? कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छे, व्यवस्थाएं कैसी हैं? बाबा क्या नाम है आपका? जगह थोड़ा आगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा है। अच्छा, उड़ीसा से 20 साल हो गया, हर साल आते हैं। ये भगवान जी की दीपेश की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, इस तरीके से दीपेश वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोग रास्ते में हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ दर्शन कर चुके हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं वो बता देते हैं आपको। दरअसल तीर्थयात्रियों की सेहत का पूरा ख्याल रखा गया है। तीर्थयात्रियों के लिए 2 कैंप में हॉस्पिटल बनाए गए हैं, बालटाल और चंदनवाड़ी में हॉस्पिटल ये बनाए गए हैं। कैंप हॉस्पिटल में 100-100 ICU बेड भी बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ एडवांस उपकरणों से ये हॉस्पिटल्स को लैस किया गया है, ताकि अगर कुछ दिक्कत होती, इमरजेंसी होती है तो लोगों को वहाँ पर इलाज मिल सके। इसी के साथ साथ एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी से लेकर के कार्डिक मॉनिटर से लेकर के क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट भी यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि चूंकि पहाड़ी का इलाका है, ऑक्सीजन की कमी भी कई बार हो जाती है, कई बार जिनकी हिस्ट्री हार्ट पेशेंट की होती है उनको भी दिक्कतें होती हैं। लिहाजा यहाँ पे जो ICU बनाए गए हैं 100-100 बेड के, उनमें तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके अलावा 100 ऑक्सीजन बूथ भी बनाए गए हैं, साथ ही मोबाइल ऑक्सीजन बूथ के साथ साथ पवित्र गुफा और शेषनाग में छोटे छोटे हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं। इस बीच आपको एक और रिपोर्ट दिखा देती पेश की। सुरक्षा यात्रियों की किस तरह से है वो आप तस्वीरों में देख पा रखे हैं। ITBP और इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो आपको चप्पे चप्पे पर तैनात जो हैं नज़र आएंगे। जितने भी यात्री जो हैं वो रवाना होते हैं, उनके साथ साथ जो जवान हैं वो लगातार इसी तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं। विजय उज्जवल आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं कि किस तरह से इंडियन आर्मी के जगह जगह पूरे रास्तों पर कैंप बने हुए हैं, ITBP के जो जवान हैं वो लगातार तैनात नज़र आ रहे हैं, और अलग अलग लेयर में सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर तैनात नज़र आ रही है। पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चूँकि बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन ये माना जाता है। और तो बालटाल से दीपेश की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे हम, जहां पे भक्त और भक्ति दोनों ही यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं देश में बारिश को लेकर, जहां पे देश के कई राज्यों में भारी बारिश मुसीबत बन गई है। हम आपको उत्तराखंड के तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे कैसे गंगा का जलस्तर बढ़ने से जल भराव के हालात बन गए हैं। हरिद्वार में कई गाड़ियां बह गई, तस्वीरें विचलित करने वाली है आपको, क्योंकि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ये परेशान करने वाली है। जोरदार बारिश जो है देश के लगभग लगभग हर राज्य में हो रही है, मॉनसून चल रहा है लिहाजा बारिश होगी, और बारिश होने के साथ ही कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बारिश का जो कहर है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये उत्तराखंड की है, जहां पे भारी बारिश के बाद कार डूबती हुई पानी में दिखाई दे रही है। हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात है, कार यहाँ पे जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी से बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालांकि अभी मानसून पूरे पीक पर नहीं है, लेकिन शुरुआती बारिश में ही देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बारिश कहर बनकर टूट रही है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और फिलहाल जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये है उत्तराखंड की, जहाँ पर एक कार गाड़ी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार हम किस तरीके से उत्तराखंड में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि दरअसल कहा यह जा रहा है कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो बारिश के कहर से जूझ रहे हैं। हालांकि अभी तो ये हाल है, बाद में आगे क्या होगा जब मानसून जमकर बरसेगा, तब तो कई राज्य के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे परेशान बड़ी तस्वीरें निकल के सामने आएंगी और लोगों को भारी परेशानी झेलनी भी पड़ेगी।